कैसे उस दौर को, उस दिन को याद करना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप पलक पर बैठे? एक्चुअली मैं याद ही नहीं करना चाहूंगी उस दिन। मुझे लगता है कि कहीं पे एक हर चीज जो होती है वो कुछ आपको सीख देने के लिए होती है। हादसा था, बीमारी थी, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है थी, वो मुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए आई थी जो मेरे मुझे सीखना जरूरी था। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले लंबे अरसे बाद वापसी हुई है, कैसी आप? बिल्कुल ठीक। कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। थैंक यू। जैसा मैंने पहले देखा था, मैं बचपन में देखता था। ऐसे तो नहीं हो सकती, अभी बहुत साल गुजर गए उसमें, लेकिन आई एम फीलिंग गुड, आई एम हैप्पी और हेल्दी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इस अवतार के लिए क्या करना है, जब आपको ये कहा गया था कि मतलब रियलिटी शो जज करना, तो फर्स्ट थिंग आपके माइंड में क्या आई थी? आई वॉज नॉट रेडी टू डू अ रियलिटी शो, क्योंकि ये क्या है, हर हफ्ते का कमिटमेंट है, मैं करूँ नहीं करूँ, ये मेरे दिमाग में बात ज़रूर चल रही थी। लेकिन जब मैंने सुना, और स्पेशली जी टी वी है, और लास्ट टाइम 4 साल पहले मैं जी टी वी के सेट से गई थी, जहाँ पे मैं ड्रामेबाज की शूटिंग कर रही थी, जब मैं ट्रीटमेंट के लिए गई थी, तो कहीं पर वो अधूरा जो छोड़ के गई थी, तो हम लोग ये ड्रामेबाज नहीं है, डी आई डी लिटिल मास्टर्स है, लेकिन बच्चे हैं, जी टी वी का सेट है, तो कहीं पर मुझे ऐसे लगता है कि वो जर्नी कहीं अब जाके कम्प्लीट हो गई है। तो मेरे लिए वो कहीं पर नॉस्टैल्जिया है, कहीं पर इमोशंस है, और एक सेटिस्फैक्शन भी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे परिवार में वापस आ रही हूँ। जी बिल्कुल। जब खबर आई थी, मैं पूरी दुनिया से मतलब शॉक्ड हो गई थी। बिलीव मी, आई वाज मोस्ट शॉक्ड बाय इट कि क्या हो रहा है। या एज अ फैंस मैं भी बता रहा हूँ, मतलब हम लोग बिलीव नहीं कर सकते थे, बट इतना अच्छा लग रहा है अभी आप कैसे काम करते हैं। कैसे उस दौर को, उस दिन को याद करना चाहेंगे, कैसे देखते हैं आप पलक पर बैठे? एक्चुअली मैं याद ही नहीं करना चाहूँगी उस दिन को, इट वॉज, बट आई थिंक, लेकिन अब जब कुछ साल गुजर गए हैं, एंड आई लुक बैक एट इट, तो मुझे लगता है कि कहीं पे एक हर चीज़ जो होती है वो कुछ आपको सीख देने के लिए होती है। और मुझे लगता है कि वो जो हादसा था, बीमारी थी, बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है थी, वो मुझे बहुत कुछ सिखाने के लिए आई थी जो मेरे मुझे सीखना ज़रूरी था। आई थिंक इस जन्म में वो सीखना ज़रूरी था, इसलिए वो आई थी, और मैं उसी हिसाब से उसको देखूँगी कि मैं कुछ सीख रही हूँ। घर वालों का, बच्चों का कैसा, मतलब जब देखते थे क्या फीलिंग होती थी? अब बहुत अच्छा लगता है सब। जी आई थिंक हम लोग सब इमोशनल हो रहे हैं इस बात को लेके, आई एम बैक ऑन अ रियलिटी शो, और वो भी बच्चों के साथ। सो जैसे मैंने कहा, लगता है कि फुल सर्कल, लाइफ का फुल सर्कल, एक सेटिस्फैक्शन है, और लाइक आई सेड, ग्रैटिट्यूड, लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। चलिए, हर जज का शो पर के पर एक डायलॉग होता है, स्पेशल कमेंट करते हैं जब बच्चों को लेकर के, आपने कुछ सोचा है कि कुछ अलग से? एक्चुअली नहीं सोचा है। आई थिंक वी शुड आस्क योर ऑडियंस कि अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ एक स्पेशल बोलना चाहिए, तो प्लीज़ हमको बताइए, एंड इफ आई लाइक इट आई विल से। और जो आपके साथ हैं, जो मोनी हैं, फर्दर जजेस, मैं मोनी, रेमो, जय को पहली बार मिल रही हूँ, इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग, मैं इनसे मिली नहीं थी, तो लेकिन पहली बार जब मैं सेट पे आई और उनसे मिली, तो ऐसा लगा नहीं कि मैं उनसे पहली बार मिल रही थी, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, बहुत अच्छी एनर्जी है तीनों की भी, वॉर्म, और इंडस्ट्री में हमेशा नहीं मिलता है इतना वॉर्म, सो इतनी रियल और वॉर्म जजेस और को जजेस अगर मिले हैं, तो वो एनर्जी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा लग रहा है। फैंस से कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस से? आई वुड जस्ट से, वॉच द आईडी लिटिल मास्टर्स, डोंट फॉरगेट। Thank you so much.